लिए ले जाएंगे सीधा केदारनाथ धाम। तो हर हर महादेव। अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आपको केदारनाथ धाम हेलीपैड के द्वारा करना है तो वो आप किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ की टाइमिंग वगैरह क्या होगी, मतलब कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ते हैं, और अगर आप गुप्त काशी फाटा और सोरसा से हेलीपैड के द्वारा जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप ऑनलाइन बुकिंग भी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और अभी हम पता कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं फाटा के हेलीपैड एरिया में, और यहाँ से भी जो है केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीपैड जो है सर्विस करवाई गई है। तो जो हेलीपैड के लिए जो है ऑनलाइन बुकिंग आप यहाँ से करवा सकते हैं, वरना आप इनकी वेबसाइट भी दी गई है, वहाँ पर जाकर भी आप करवा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें बताई गई है। तो आप देख सकते हैं पवन हंस लिमिटेड की तरफ से, ये गवर्नमेंट की तरफ से ना हेलीपैड एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसकी की टिकट एक बंदे के जो पैसे होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फाटा से केदारनाथ जाते हैं और फिर वहाँ से वापस फाटा तक आते हैं तो 5,500 रुपये होने वाले हैं, और वन वे जिसमें कि फाटा से सिर्फ केदारनाथ तक का 2,750 रुपये, और केदारनाथ जी से फिर दोबारा वापस फाटा तक का 2,750 रुपये होने वाला है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर पैसेंजर का वेट मोर देन 80 kg है ना तो आपको एडिशनल 150 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर मौसम ख़राब होने एवं हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पर उड़ान रद्द होने की स्थिति में उस दिन के यात्रियों की जो टिकट होगी ना स्लॉट वगैरह उसके अनुसार निरस्त कर दी जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी। हेलीकॉप्टर सेवा सामान्य सूचना हेली बुकिंग पोर्टल, ये वाली वेबसाइट में जाकर आप हेलीकॉप्टर को बुक करा सकते हैं, यहाँ पर मतलब वहाँ की सीट की आप टिकट बुक करा सकते हैं। और अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो 3,870 और दोनों तरफ का 7,740, और अगर आप फाटा से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो एक तरफ का किराया होने वाला है 2,750 और दोनों तरफ का 5,500, और सोरसी से केदारनाथ 2,479 और 5,498। तो ये वेटिंग हॉल होने वाला, अभी आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हेलीकॉप्टर आएगा। आप देख सकते हैं सारे पैसेंजर जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही आता है ना आपको सीधा वहाँ पर ले जाते हैं, और फिर आप बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर में और सीधा आपको केदारनाथ धाम ले जाते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आ चुका है, और ये फाटा फाटा का हेलीकॉप्टर एरिया सारा। और ये यहाँ पर फाटा में आकर लैंड कर रहा है। और आप सामने देख रहे होंगे ये जो है ना सिक्योरिटी के लिए खड़े करते हैं और सबको बिठा देंगे। आप देख सकते हो इस तरह से बहुत तेजी में, देख सकते हो इस तरह से बैठ जाते हैं जो भी मतलब पैसेंजर आते हैं। मात्र 5 सेकंड का काम होता है, जो आते हैं उन्हें उतार दिया जाता है और जो जिन्हें जाना है केदारनाथ जी तक उन्हें बिठा दिया जाता है, और ये पैसेंजर जो है बैठ गए हैं फिलहाल तो, और अभी थोड़ी देर में ही उड़ जाएगा, गेट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि थोड़ा सा खतरा बना रहता है, इनकी पंखड़ियाँ बहुत तेज होती हैं। और ये दरवाजा लॉक कर दिया और ये उड़ जाएगा। 3, 2, 1 गो। और अब ये हेलीकॉप्टर आपको सीधा लेकर जाएगा केदारनाथ धाम। और जो भी पैसेंजर अब बैठ चुके हैं वो सीधा जाकर उतरेंगे केदारनाथ धाम। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है, देख सकते हो आप, क्योंकि पैदल रास्ते से जाओगे ना तो टाइम लगेगा, इसमें आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा। देख सकते हो जा रहा सीधा, और वहाँ पे सामने पहाड़ देख रहे हो ना, बर्फीली पहाड़ियाँ, वहाँ तक जाएगा ये उड़ता उड़ता, वो तो कितना छोटा सा लग रहा है। और वहाँ पर केदारनाथ धाम पर आप जाकर दर्शन कर पाएंगे धाम के।
तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है इंग्लिश में कि अगर जिसको मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, जिस सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ रख के लेके जाए यहाँ पर, तो देख सकते हो आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो इससे। तो यहाँ से आप हेलीपैड जो है टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है धोखेबाज से सावधान रहे, क्योंकि भाई बुकिंग जो है ऑनलाइन होती है। और यहाँ पे देख सकते हो IRCTC, तो आप देख सकते हैं IRCTC नेदर कॉल यू फॉर बुकिंग नोर UCADA विल गिव योर अकाउंट नंबर फॉर पेमेंट। मतलब अकाउंट नंबर नहीं मांगेगा आपका अगर आपको टिकट बुक करानी है हेलीपैड के लिए, तो उससे सावधान रहे। और अगर आप यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो भाई वो कंपलसरी है, उसको आपको करवाना पड़ेगा बुकिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस के लिए। और आप देख सकते हैं ना ये वेबसाइट दी हुई है, तो इसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं, वरना तो touristcareuk.government में भी जाकर आप टिकट बुक करा सकते हैं हेलीपैड के लिए। और नो अदर वेबसाइट हैज़ द राइट टू मेक हेली बुकिंग, मतलब हेलीकॉप्टर के लिए और कोई वेबसाइट नहीं है, यही दो वेबसाइट हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। और ये सामने ही हमें दिख रहा है हेलीपैड एरिया, अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर, और यहाँ से टिकट बुक होती है। और यहाँ पर आप पार्क भी कर सकते हैं अगर आप कार वगैरह लेकर आते हैं। सामने आप देख रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर केदारनाथ धाम है उस साइड, और बर्फीली पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सेकंड में आपको वहाँ पर पहुँचा देता, आधा घंटा लगता होगा मेरे हिसाब से। तो जो फाटा की हेलीकॉप्टर की बुकिंग वगैरह कराने के लिए और जो उड़ता है ना, उसकी टाइमिंग पता है कितने बजे से है? सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये उड़ता है हेलीपैड यहाँ पर फाटा के अंदर। उसके बाद जो है नहीं उड़ता, क्योंकि मौसम वगैरह थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो 6 बजे से लेकर सुबह शाम के 6 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं स्टाफ पॉइंट होने वाला है, हेलीकॉप्टर तक हेलीपैड स्टाफ आपको लेकर जाएगा। उनके निदेशक का पालन करना आपको, सभी ढीले वस्त्र जैसे स्कार्फ हो गया, टोपी हो गई, दुपट्टा हो गया, हेलीकॉप्टर में उतरते व चढ़ते समय देखकर चढ़ें और हेलीकॉप्टर के पीछे की तरफ ना जाएं। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते समय सीट बेल्ट का बांध कर रखें, सीट बेल्ट को बांध कर रखें। और हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा हेलीपैड कर्मचारी द्वारा खोला या बंद किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के अंदर लाल हैंडल को ना छुए, केवल आपातकाल स्थिति में प्रयोग करने हेतु है। और हेलीपैड में यात्रा के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखें। और हेलीकॉप्टर पर वह हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान फोटोग्राफी वर्जित है, पटाखे और धार वाली वस्तु ना लेकर जाएं। और तो हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र, यदि किसी हेलीकॉप्टर सेवा संचालक द्वारा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा निर्धारित धनराशि से अधिक मूल्य की मांग की जाती है, तो इन टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। अगर भाई यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक फिक्स राशि है, उसके ऊपर नहीं ले सकते, तो ये आपको देख सकते हैं इन दो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी आप सामने देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आ चुका है, जो कि आपको केदारनाथ धाम तक लेकर जाएगा। और अभी उतरने वाला फाटा तक, फाटा पे अभी हम पर्सन है कुछ इस तरह से यहाँ पर बैठ रहे हैं, और फिर ये अभी थोड़ी देर में उड़ जाएगा। और इससे पहले आपको ना यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर, और जो बुकिंग वगैरह है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो आपको करवानी पड़ेगी कंपलसरी। भाई पूरी सेफ्टी से बिठाते हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अरेंजमेंट करी हुई है, मतलब आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे सेफ्टी और फिर आपको बिठा देंगे, देख रहे हो आप। और ये अब उड़ जाएगा, अभी आपने देखा 1-2 मिनट तक आया ये, और पैसेंजर जो है बैठ गए, और अब ये उड़ने के लिए तैयार है। और अब ये ले जाएंगे सीधा केदारनाथ धाम।
तो अब आप सीधा पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दे दी कि हेलीपैड जो है उसमें आप टिकट वगैरह कैसे बुक कर सकते हैं, और हम केदारनाथ धाम की सारी यात्रा की अपडेट आपको देते रहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगते ही रहे ना तो लोगों के साथ शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। और अभी आप देख सकते हैं पीछे बर्फीले पहाड़ हमें दिख रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।